ਸੋਹਣੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ
चरण नानक हर संग मीत जी जो दर्शन ले बाबारी जो दर्शन मेरे बाबा जी दो दर्शन दर्शन अखिया दर्शन दो दर्शन मेरे बाबा जी दो दर्शन मेहरबान साहे मेहरबान साहे मेरा मेहरबान एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए फिर अमृत गुर ते अमरदास रामदासा होए सहाए अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तीन बहादुर सिमरी है घर नाने दे आवै ताए सब थाए होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सच्चे पातशाह जी सब थाई होना जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा साध संगत साहेब बोलना जी श्री दसा पातशाहियां दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहेब जगदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर कलयुग दे बोहित नाम के जहाज हथ पग की रख्या लोक परलोक के सहायक इन्हां दे पाठ दर्शन जदार जी का ध्यान धर के बोलना जी दस पातशाहियां चार साहबजादे पंज प्यारे चाली मुक्ते समूह संतां शहीदां सिंघां दी कमाई का ध्यान धर के बोलना जी समूह गुर तख्ता समूह गुरद्वारिया झंडिया गुंगिया निशाना जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री अकाल पुरख अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी आप जी के हजूर अरदास बेनती है दासा दे सिर ते हथ रखो काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचाओ नाम दान गरीबी दान सिखी दान सिदक दान भरोसा दान शांति बख्शो जी तुहाड्या चरणा नाल बणे आवे स्वासन केसना सिखी बख्शो प्रेमा भगती बख्शो सिर ते हथ रखो चरणा नाल जोड़ लो टुटी गंडो मेहरबान जो भावे सो कम कराई मेहरबान जो ना भावे सो ना कराई जिथे भावै तिथे रख लै जिथे ना भावे तिथे ना रखी जिथे भी रखी आपदे चरणा विच रखी अखंड भजन बख्शी दरगाह दे साजिया निवाजिया गुरमुखा प्यारिया दे बेले बख्शी जिन्हां दे मिलने करके सिखी सदक दी प्राप्ति होवे धुर दरगाह दी समत मिले आपदे दर तो डिगे धक्के नंदक दी संगत ना दे जी मेहरबान जी जिस दे मिलने करके तू विसर जाए जग जलंदा रख लै अपनी कृपा सार जित दुआरे उभरत धन्य होवार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मोहे देसा दुष्ट चोर गुनाहगार लोण हरामी पाहण नाम ना पार गुरामी जेता समुद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो किश मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे असी करते बहुत कमाम दे किशांत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श लै हों पापी वड गुनाहगार हर जियो लेखे बार ना आवई तू बख्श मलावण हार तू बख्श मलावण हार हे निरंकार साडे गुणा दा सावन तको ग्रीवन वास साडे ते मेहर भरी दृष्टि तको ग्रीवन वाजी जिस तरह कौड़े रक्ष दा भूमि चोर दा कौड़े हिठे दा कोई गुणा उगण तारिया उसे पार्टी आदमी है उन्हां भी बधीक पापी हैं पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक पापां दे भरे हैं सब तरह करके छलो हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पत तुदरन औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हा दे रख अपने कौ सास पुत पाले हे निरंकार ना विसरी ना बसारी ना भुली ना भुलाई आपदिया नु आपदे करी सिर ते हथ रखी समत बख्शी ऐस वेले जो कीता सो वाह वाह जो बैठे कर करारे हो सो भी वाह वाह जो अगे वास्ते करो कराओगे सो भी वाह 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 हे निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी आप जी दे दरों करो बरो साए महापुरखां वल्लों
महान समागम अखंड पाठां दी लड़ियां बाणी दे प्रवाह गरीबनवाल जी 6 तरीक तो प्रारंभ कीते सी। थोड़ियां बड़ियां मेहरा होईयां है, मेहरा दा सदका 11 टरणां दे भोग पाए गए है। गरीबनवाल सच्चे पातशाह कल दे दिन तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखंड पाठ 139, एक श्री जपजी साहिब दा अखंड पाठ 140 अखंड पाठ जो परसों दे दिन तो प्रारंभ कीते गए सी, तिन्हां दे भोग पाए गए है, निर्विघन संपूर्ण होए। गरीबनवाल पाठी सिंघां तो पाठ करदिआं कोई लग तो वाधा घाटा पढ़िआ जां सुबख्श लैणा, अगे नूं सुध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दा बल बख्शिश करना, सेवादारां तो सेवा करदिआं तो अनक प्रकार दीआं त्रुटियां रहि गईआं होणगीआं सब तरां करके बख्श लैणा। गरीबनवाल सच्चे पातशाह तुहाडीआं मेहरां दा सदका 11 टरणां दे विच गरीबनवाल जी गुरु ग्रंथ साहिब दे अखंड पाठ 1341 11 पाठ श्री जपजी साहिब दे कुल 1352 अखंड पाठां दे भोग पाए गए। गरीबनवाल तुहाडी बड़ी मेहर हुई है, कृपा सदका ये महान जगम प्रारंभ कीते सी, तुहाडी सदका निर्विघन संपूर्ण होया। गरीबनवाल जी बाबा मोहन सिंह जी लंगर वाले जिन्हां दे उपराले अनुसार सारा समागम कीता गया, महाराज कृपा करनी, बाबा मोहन सिंह जी लंगर वालियां ते मेरा भरिया सिर ते हाथ रखना। गरीबनवाल दुखां कलेसां दा नाश करना, महापुरखां नूं सेवा सिमरन करन दी समर्था बख्शिश करनी, आप नाम जपण ते संगतां नूं नाम जपाउण दी समर्था बख्शिश करनी, आईआं संगतां दी हाजरी लाउणी, जिन्हां संगतां ने इस महान जग दे विच गरीबनवाल जी तिल फुल कीतियां उन्हां दीआं भेटावां मंजूर करो, सब दे खजाने भरपूर करो, सब नूं गुरसिखी दान चढ़दी कला हर मदान फतेह बख्शिश करो, अंग संग हो के सहायता करनी। गरीबनवाल सच्चे पातशाह जी महान जग महापुरखां दे उपराले अनुसार प्रारंभ होए सी, तुहाडियां मेहरां सदका निर्विघनता सह समाप्ति होई है, आपने कृपा करनी। अगे तो बाबा मान सिंह जी वल्लों बेनती है, सच्चे पातशाह इहो जिहे महान समागम बख्श दे रहे हो, कृपा करो महापुरखां दे सिर ते हथ रख के ऐसे महान जग बाणी दे प्रवाह चलाउण दी समर्था बख्श दे रहना। महाराज जी कृपा करनी, अंग संग हो के सहायता करनी, गुरसिखी दान बख्शिश करना, गुरसिखी दा प्रचार गुरमत दा प्रचार करन दी समर्था बख्श दे रहना, महापुरखां ते मेरा भरिया सिर ते हथ रखना। गरीबनवाल सच्ची पातशाह जी इन्हां खुशियां नूं मुख रख के आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दे थल सज के आए है, आप कृपा करो भोग लावो, अपना सीन प्रसाद संगतां नूं बख्शो, नाम चेतावे सर्व सुख होवे, श्री गुरु नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साजो गुरमुख प्यारो आपो अपनी जगह ते, हुण भोगां दे शब्द पढ़े जाणगे, उस तो उपरांत अगला प्रोग्राम दस्या जाएगा। भोगां दे शब्द सरवण करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लाव भोग हरे राए, लाव भोग हरे राए।
Thank you.
सतगुरु महाराज की होर भी बख्शिश हुई है 1341 अखंड पाठ 11 श्री जपजी साहब के अखंड पाठ 1352 अखंड पाठा की अज समाप्ति हुई है भोग पाए गए हैं। इस महान समागम दिया बाबा मान सिंह जी बाबा मोहन सिंह जी लंगर वाले होर जिन्हें महापुरख इस महान समागम में पुजे है संगत पुजी है सेवादार ने सेवा की है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी कोत आनंद मान रही गुरु रूप गुरुस्वारी सत्संग जीओ जदों कि अज गुरु की कृपा नाल अखंड पाठां दी जो पवित्र नदी 6 जनवरी तो शुरू की गई सी अज 20 जनवरी वाले दिन भोग पाए गए ने। जदों यह लड़ी शुरू की गई इस तों पहला उलीकी गई मेरे नाल साथ दे रहे सन संत बाबा अवतार सिंह धूरकोट वाले संत बाबा बलकार सिंह संत बाबा कश्मीरा सिंह
संत बाबा अमरीक सिंह पंज पैणियां, संत बाबा दरबारा सिंह रोहिसर वाले, संत बाबा अर्जन सिंह राजपुरे वाले, संत बाबा जसदीप सिंह जगाधरी वाले, असि जो सारिया ने बैठ के प्रोग्राम लिखिया, और भी बेअंत महापुरुष सन, संत बाबा पंजाब सिंह बैठे ने, संत बाबा झामकिया वाले और बेअंत महापुरुष अज इस समागम आए ने। असि सलाह की लंगर वाले बाबा जी ना, मैनू लगे क्या मैं इन्हें बेनती की, मैं बाबा जी एक लड़ी शुरू करनी है, गुरु साहब दीआं पाशिशां प्राप्त करनियां ने तुहाडे वास्ते। कह लगे बाबा जी हुणे शुरू कर दिओ। मैं क्या बाबा जी एडा छोटा कम नहीं, इस तरह जिहड़ा समुद्र नूं पार करना होवे। खैर बाबा जी ने जो मेरा साथ दिता लंगर वालिया ने, ते मेरी उम्मीद तों परे। संत बाबा अवतार सिंह धूनकोट वाले जदों पाठियां दा सोहरा आया, कह लगे बाबे पाठी जिन्ने कहो, और बेअंत महापुरश मेरे नाल सन, संत हरपाल सिंह जी इत्थे आए ने। वेखो रंग किवें समा बीतदा गया, इधर तां पाठी पाठ करदे सन, उधर मैं अरदासां करदा सां कि इस लड़ी विच कोई विघन ना पै जाए, क्योंकि जे किसी काम में कोई विघन पै जाए वह विघन एक इतिहास बन के रह जाता है। पर मैं कहना कि गुरु साहब की कृपा मेरे नाल इंज तुरी फिरदी सी जिवें किसी दे नाल उहदी परछाई तुरी फिरे। महाराज कृपा नाल मैनू कोई शब्द नहीं आउड़ रहा, और जो पाठ पाठी सिंह ने किया दास रात इतने कुर्सी डाह के ना लगते पूरे वाले पासे बैठ जाता सी, अंदर सारी सारी रात ही पाठ सुनते रहना। जो इन्होंने सबूत दिता ना पाठिया ने, जे मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के इन्होंने चरणों की जुत्ती भी बना दिया तो थोड़ी गल है। अभी पाठ बड़े होंगे देखे ने, पाठ बहुत होंगे देखे ने, अद्धे पाठी सुते रहते ने, अद्धे पाठी उबासियां लेंदे रहिंदे ने। और मैं पाठी सिंघां नूं एक बेनती कर रहा, कल का दिन तुहाडे वास्ते फकरे मान का दिन सी, जदों सारे तख्तां दे जथेदार आए, जदों कि यह कहा जाता कि बहुते खंड पाठ करने मन मत है, एक पाठी पाठ करता है ते बाकी सुनी जाते ने। जथेदार बदंती साहब न, जथेदार पटना साहब वालों, जथेदार त्रिलोचन सिंह, श्री केसगढ़ साहब वाले जथेदार साहब न, मैं सारे जथेदारों आख्या, मैं क्या जथेदार जी एक बारी मेरे नाल चलो। जदों महादेव हजूरी च आए, कोई पाठी सिंह ऐसा नहीं सी जिहड़ा बोल के पाठ नहीं सी कर रहा, और मेरी खुशी की कोई हद ना रही। जदों वेदांती साहब मैं बेनती की, मैं देखो जी इतने कोई पाठी ऐसा तो नहीं जो पाठ बोल के नहीं कर रहा, हर पाठी अपने पाठ मस्त है, ड्यूटी से मस्त है, तैनात है। वेदांती साहब लगे कह ये मन मत नहीं, ये गुर मत है। मेरे कोई शब्द नहीं। तेना दिनों में पेवे के इलाके की संगत ने, मैं एक गजल लिखी सी, मैं अमरीका कनेडा इंग्लैंड भी फिर आया, मेरा मन कि डुलिया दुबई, दुबई बेल्जियम इटली जर्मन जापान भी फिर आया, पर मेरे दिल का भेद कि खुलिया, मैं सारी दुनिया वेख ली सासन, पर मेनू भेदा नहीं भुलिया। सजनों इतने दुआबर युग में धरती के भाग होंगे ने, इतने दुआबर युग में कृष्ण महाराज ने पांडवों पासों एक अश्वमेध जग करवाया सी, उहदे नाल दा अश्वमेध जग अज तक इस इलाके च नहीं हो सकिया। उदों भी माण कुरुक्षेत्र की धरती नूं मिलिया,
एडी वड्डी लड़ी का माण अज कलयुग दे विच कुरुक्षेत्र नूं मिले है। किते छोटी छोटे होंदे पढ़ते होंदे सां कुरुक्षेत्र भी देखो भाई बड़ी हुई थी यही लड़ाई, हुण पढ़िया हम करांगे कुरुक्षेत्र भी देखो भाई जय। पर बाबा मोहन जी लंगर वालों ने श्री खंड पाठ की एक लड़ी चलाई। वो कितना सुभागा दिन था जो सब पे आया, जिस दिन पाची सिंघों ने गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का भोग पाया, इस लड़ी में हर श्रद्धालु आया और हर संत आया। पाठ भोगते जा रहे सी, कल बाबा केजा सिंह भी आए। जब रब देंदा ना एक बहाने ने साढ़े के जी काम करके रोटी खाने, कोई सोचता मैं नौकरी करके रोटी खादा, पर जब रब देंदा रब जब देंदा ना शत पाड़ के देंदा। बाबा केजा सिंह भी आए, लगे कहते जी छेती जाना, मैं कहा जी इसे तुम सिर भी रखना, चाती मार लो कितने जगरावा रात कीर्तन करके फिर इतने आए ने। पर अज यही सचखंड है, तै बकुंठ जा कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए। कबीर जी ने पूछा सी कि बाबा जी सचखंड वेखे है कहो लोग कितने आओ, कहते कहो कबीर अब कहिए काहे सास बकुंठे आए। आप प्रोग्राम कल आरती कर रही सी, दिल्ली फोन किया गुलाब के फुल नहीं सी मिलते, अज गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी जी खिंड रहे फुल इस तरह नजर आ रहे, जिम्मे कुदरत राणी गुलाबी रंग की फुलकारी तोड़ के गुरु ग्रंथ साहब के चरणा च आ गई हो। पर सजनों मेरे कोई शब्द नहीं, बाबा केजा सिंह जी जिन्होंने मेरी जिंदगी का बहुता समा गुजरिया और मेरे कोई शब्द नहीं भेरे के इलाके दंगत वास्ते। महापुरशो संगत ने इस इलाके दुध के हड़ बगा के रख दिते, 15-15, 20-20 क्विंटल दुध। मेरे ख्याल है कि हैरान सा कि हो की रहा है, दादा तू ना करे तो करे केड़ा, तो मेरिया सभी जरूरत पूरिया ताकते ने ऐब गुनाह मेरे, मैं तो ताकता रहमता तेरिया। लंगर वाले बाबा जी जिन्होंने पाठिया वास्ते मीनू बनाया से हूँ आ देना आ देना, कहते आ देना, मैं जो देना ना जो शगन वास्ते देना दे दे। माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी आवा जावा हर के लेके साधु खड़ा तमाशा देखे, मैं दोवें हाथ जोड़ के सारी पासों महापुरशां पासों ते पाठी सिंघां दे पासों दोवें हाथ जोड़ के साडे अवगणना चतार ने गलतियां रह जांदियां ने, व्याहां शादियां विच भी छोटे छोटे समागम होंदे ने, कोई ना कोई परिवार का मैंबर जां रिश्तेदार वो कई वारी ख्याल च निकल जांदा, उहदा ध्यान नहीं कीता जांदा। इन्हां समें दिनां विच किसे दी शान दे खिलाफ कोई शब्द बोलिया गया होवे जां किसे ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਲੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
फल थोड़ी शरदा लगना, फल थोड़ी भावना लगना। तो एक छोटी जी साही याद आई है, कहते आनंदपुर करगी तर पाशाह नूं छड़ना पै गया, पाणा वरत गया, साहिबजादे शहीद हो गए, तख्तां ताजां दे मालक फौजां दे जरनैल सतगुरु करगी तर पाशाह सचखंड नदेड़ दी धरती ते बैठे ने। एक कहिंदे ने पठान, मुसलमान पठान जो घोड़ियां दा वपारी सी, कहिंदे जो आनंदपुर साहिब दे गुरु साहिब दे चरणां विच चंगी तो चंगी नसल के घोड़े लैके आता सी, तो महाराज दसवें पातशाह के चरणों में पुजा व्यापारी सी। इन्हें गुरु साहब के चरणों में बेनती की, महाराज मेरा तुहाडे वल ना 10,000 रुपया रहिंदा। महाराज मैं आनंदपुर गया, अगू पता लगा भी आप चमकौर निकल गए, चमकौर के जंग तो बाद आप मुक्तसर निकल गए, महाराज उस तो बाद तुसी दखण जा गए। गरीब नवाज कृपा करो, मेरा गरीब का 10,000 रुपया वो तुहाडे वल रहिंदा। सुनियो सज्जनो वचन पल्ले बन के लैके जाया जाए भोगते, जे तुहाडी श्रद्धा नहीं ते तुहाडे पल्ले कख नहीं। कहिंदे कलगीधर पातशाह ने आखिया, आखिया खान आ समय ते साडे कोल कुछ नहीं रहा, आनंदपुर जांदा लग्या सरपंच सवारिया गया, पातशाह कहते तेन एक लिखत दे दें, अंग्रेजी च कहते ने रिटन, तेन एक आप स्टाम लिखा दें, तेन एक लिखत दे दें लिखत। अज तू इना समय बाद पंजाब की हिक ते साडा एक सिख राज करेगा, ते आ लैना साडी लिखत, ते जदों वो राज करेगा ना ये लिखत तू साडे उस सिख राजे दे कोल लई, यह जो तेरा बकाया समेत व्याज और तेन मोड़ूगा। कहते रिटर्न लैके चला गया, उन्हें आख्या महाराज जी मैं उस समय होवांगा भी, गुरदेव कहते तू होवेंगा। समा बीतता गया, खालसा जी तुरक राज चला गया, महाराजा रणजीत सिंह का राज आया, दारो खिलाफा शेरे पंजाब का जिन्हों राजधानी कहते ने, कहते लाहौर से, कहते ने वो पठान वपारी बिरध हो चुका सी, लक तू कुबा हाथ में डंडा, तो अपने पोते कहता बेटा मैं लाहौर ला चल। उन्होंने समय च साध संगत जी घोड़े होंगे सन आवाजाई के साधन, कहता मैं गुरु गोबिंद सिंह द्वारा सिख राजा लाहौर के तख्त बैठा है, ये गुरु को मैं 10,000 रुपया लेना सी, तो मैं एक लिखत दे गया। और महाराजा रणजीत सिंह साध संगत जी जिदी शाही धरत के सया राजा का सिर झुकता सी, और शेरे दिल महाराजा रणजीत सिंह सात संगत जी कहते ने कि उहदा राज है जो जंग मैदान अंदर शेरां दे वांगू पुकदा सी, चरत सिंह की चरत दा ओ सूरज जिस तों लहिंदे दा सूरज भी लुकदा सी। कहते कहते शेरे पंजाब अज सवेर का समा तो पेंडा तय करते, प्यो पोता के पुत्र पोता के दादा पुजे, अगे थाना के पहरे लगे ने, बजुर्ग ने आख्या भाई मैं शेरे पंजाब नूं मिलना, उन्हें आख्या तू शेरे पंजाब नूं नहीं मिल सकता बाबा, तू नहीं मिल सकता। वह कहता भी शेरे पंजाब नूं इन्नी गल ते कह सकते हो कि कोई पठान आया जिदे कोल ना तेरे गुरु दे हथां दी लिखी एक लिखत है। सज्जनों आवी बाणी भी किसे दी लिखी लिखत है, कहिंदे जदों इह गल कही तां कहिंदे ने शेरे पंजाब नूं जाके सिपाही ने आखिया, आखिया महाराज एक बेनती लै के आया, कहण लगा भई ये किस तरह करके कोई पठान आया लख तू कुबड़ा नाल बच्चा है। वह कहता कि मेरे को ना गुरु गोबिंद सिंह हत्थां दी लिखी एक लिखता जो मैं शेरे पंजाब नूं देनी है, जिदे तक गुरु साहब ने लिखा कि मेरे सिख पास 10,000 रुपया लैनी। कहते सज्जनों लिखता ना सुन के महाराजा रणजीत सिंह चाह चढ़ गया, हुक्म दे दिता सफाइया कर दियां जा लाहौर दियां,
ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਅਦਰ ਤੇ ਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਦਾਦੀ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੱਜਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ? ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾਲੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਪਠਾਨ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਕੀ ਤੱਕਦਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦਾ ਦਰਦਾਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮਰੀ ਗੰਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤ ਪਛਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਹਾਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਣ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਜਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਬਿਆਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ, ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਸੁੰਜਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਦੱਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦਮ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।